तो पटेल नगर का डाकखाना आप देख सकते हो, ये है पटेल नगर की सब्जी मंडी मेरे जस्ट सामने है। और ये हिसार से राजगढ़ की रेलवे ट्रैक है, इसे बोलते हैं राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय पटेल नगर हिसार। ये है भाई पटेल नगर की सब्जी मंडी है, और यहाँ पे श्री रामचंद्र जी का मंदिर भी है, बोलो जय श्री राम। और तो ये है पटेल नगर की मेन मार्केट, अभी मैं एंट्री करने वाला हूँ यहाँ पटेल नगर की मार्केट में, और ये सारी CID कॉलोनी है लेफ्ट साइड में। पटेल नगर में ये आ जाता है सबसे पहले दुर्गा मंदिर को, सो हे गाइज वेलकम बैक टू माई चैनल निर्देश शर्मा व्लॉग। तो भाई टाइम हो रहा है शाम के 5 और अभी हम लोग उठे हैं व्लॉगिंग करने के लिए। आज मैंने ऑफिशियल काम भी करे थे, थोड़े बहुत अपने काम निपटाए हैं, और उसके बाद मैंने आज थोड़ी सी मूवी भी देखी है भाई थोड़ा सा मूड फ्रेश करने के लिए। कल रात को एक मूवी स्टार्ट करी थी 1 घंटे की, कल रात को देख ली 1 घंटे 1.5 घंटे की, आज दिन में देख ली, तो मूड फ्रेश करना था। और आज संडे भी था तो सोचा यार थोड़ा सा मूड फ्रेश कर लेता हूँ। तो कल की बची हुई जो मूवी थी वो मैंने मूवी कंप्लीट देखी है, दृश्यम 2 देखी है। और आप सभी कह रहे हो दृश्यम 2 आई कैसे, साउथ वर्जन जो है दृश्यम 2 का वो आ गया था, तो वो मैंने अभी कंप्लीट देखी है और काफ़ी ठीक ठाक सी मूवी है। मतलब दृश्यम 1 अजय देवगन वाली है ना, वो ज़्यादा बढ़िया है क्योंकि मैंने पहला पार्ट उसका देख रखा है, तो अभी मेरे को वही शूट कर रखी है, मेरे को वही थोड़ा सा अजय देवगन नहीं थे ना तो थोड़ा सा अजीब सा लगा, लेकिन ठीक है मूवी एकदम ओके है। दृश्यम भी बहुत बढ़िया थी, दृश्यम 2 भी काफ़ी बढ़िया थी। उसके बाद थोड़ा सा रेस्ट भी किया, और रेस्ट इतना ज़्यादा नहीं करा, और क्योंकि आज हम जिम तो गए नहीं हैं, टाउन पार्क जा गए थे, व्लॉग आपने पिछला कल देख ही लिया टाउन पार्क का। और इसी के साथ आज नया व्लॉग की एक और टेंशन, एक और बजट शुरू हो गई है कि अब व्लॉगिंग करने जाए तो जाए कहाँ भाई। आप सभी से एक रिक्वेस्ट है कि सजेशन दिया करो, ज़्यादा से सजेशन दो मुझे, कहाँ का व्लॉग बनाना चाहिए, किधर जाके मुझे मोटो व्लॉगिंग करनी चाहिए। तो अभी समझ नहीं आ रहा है किधर जाना चाहिए किधर नहीं जाना चाहिए, तो आप बने रहो हमारे साथ, कहीं तो निकलेंगे, शाम को 5 बज रहे हैं और कहीं तो निकलते हैं, शाम की मोटो व्लॉगिंग करते हैं और देखते हैं कि कहाँ जाना है। तो बने रहो आप हमारे साथ, मिलते हैं सीधा मोटो व्लॉगिंग में। हाँ तो भाई स्वागत है आपका आपके अपने इस मोटो व्लॉग में, और मैं मोटो जो कि आज फिर आपको ले आए हैं सारे रहने की एक बढ़िया सी राइड पे। और जैसे आप देख सकते हो आज हम जाने वाले हैं पटेल नगर में, ये एरो लगा हुआ है और ये बहुत ज़्यादा गंदगी है यार यहाँ पर लोगों ने मचाई हुई है, तो अपील है प्रशासन से प्लीज़ सुधारा जाए। तो पटेल नगर में ये आ जाता है सबसे पहले दुर्गा मंदिर कोने पे ही, पटेल नगर चुंगी पे ही, और इसी के साइड में लेफ्ट साइड में आ जाती है भाई ये सारी CID कॉलोनी है लेफ्ट साइड में। CID के जितने भी ऑफिसर हैं उन सभी के क्वार्टर हैं, अभी रिसेंटली बने हैं, साल भर भी नहीं हुआ इन्हें बने हुए। और राइट साइड में मेरे ये पटेल नगर की मार्केट ही शुरू हो जाती है, एक तरह से कह सकते हो कि पटेल नगर की मार्केट है, तो ये सारी की सारी पटेल नगर की स्टार्ट हो जाता है। और सीधा जा कर के PLA आ जाता है, सीधा जा कर के आप लेफ्ट में जाओगे तो PLA आ जाएगा। तो अभी मैं एंट्री करने वाला हूँ यहाँ पटेल नगर की मार्केट में, और ये कोने पे आप शॉप देख सकते हो आटा चक्की है, हमारे राहुल भाई की है। किसी भी प्रकार की आटा कणक या होगी और चने वने हो गए चावल वगैरह कितने भी आइटम हैं आप यहाँ से परचेज़ कर सकते हो, तो राहुल भाई की शॉप अपनी। और इसी के साथ साथ हम एंटर हो जाते हैं पटेल नगर की मेन मार्केट के अंदर। तो ये है पटेल नगर की मेन मार्केट, हर तरह की चीज़ें मिल जाएगी आपको, लेडीज़ गारमेंट्स से लेकर के आपको यहाँ पे गिफ्ट पैलेस और क्लॉथ हाउस, मलका क्लॉथ हाउस, तो वॉचेस की भी शॉप्स वगैरह यहाँ पे मिल जाएगी। जूस वूस पीना हो अलग ही, अभी तो 5 बजे का टाइम है तो दुकानों पे इतनी रौनक नहीं है क्योंकि गर्मी का सीज़न है, गर्मी का टाइम है, नहीं तो यहाँ पर फुल भीड़ रहती है मार्केट के अंदर। और बजरंगबली जी का मंदिर भी पीछे रह गया, और यहाँ पे श्री रामचंद्र जी का मंदिर भी है, बोलो जय श्री राम। और इसी के साथ साथ लेफ्ट साइड में आ जाती है पटेल नगर की सब्ज़ी मंडी, ये है भाई पटेल नगर की सब्ज़ी मंडी, और देख सकते हो इसका मेन गेट बनने का काम शुरू हो रहा है। और इसी के साथ साथ पटेल नगर की मेन मार्केट से जस्ट आगे आ जाता है राजकीय कन्या उच्च विद्यालय, ये है लड़कियों का स्कूल है और 6ठी क्लास तक के बच्चों का ही स्कूल है ये। और जो मेन स्कूल है पटेल नगर का, जो मेन बड़ा स्कूल है जहाँ पर 12वीं भी की जा सकती है, साइंस स्ट्रीम भी है वहाँ पर, वो सीधा जा कर के आगे आता है। तो अभी पटेल नगर की मार्केट जस्ट ख़त्म हुई है और उसके बाद हम लोग सीधा पटेल नगर की तरफ आगे बढ़ते हैं, और यहाँ से लेफ़्ट साइड से जाते हैं तो 16-17 सेक्टर आता है और वो चौधरी डिपार्टमेंटल स्टोर है, काफ़ी अच्छा ग्रोसरी का सामान वगैरह वहाँ पे मिल जाता है। यहाँ पे फेमस है बड़ा स्कूल के नाम से, मतलब यहाँ पर बोला जाता है बड़ा स्कूल, स्कूल को बोला जाता है बड़ा स्कूल, जैसे सामने देख सकते हो इतना बड़ा परिसर है, इतना बड़ा गेट है, और ये है सरकारी स्कूल कैंप का, और बहुत ही ज़्यादा बढ़िया सरकारी स्कूल है ये, बहुत ही फेमस और बहुत ही बढ़िया सरकारी स्कूल है। और आप देख ही सकते हो यहाँ पर कितना बड़ा और कितना विशाल इसका गेट है।
तो सरकारी स्कूल कैंप का, सरकारी स्कूल कैंप का बड़ा स्कूल, कैंप का बड़ा स्कूल बोल सकते हैं इसको, कैंप का सरकारी स्कूल बोल सकते हैं, इसे बोलते हैं राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय पटेल नगर हिसार। और ऑल स्ट्रीम आपको यहाँ मिल जाएगी, 11वीं 12वीं भी आप यहाँ से कर सकते हो, 12वीं तक का स्कूल है। साइंस स्ट्रीम भी यहाँ पर मिल जाएगी और साइंस कॉमर्स आर्ट्स सभी तरह की स्ट्रीम है। तो बहुत बढ़िया स्कूल, आप गेट से ही अंदाज़ा लगा सकते हो कितना बढ़िया सरकारी स्कूल है। और लोग कहते हैं कि सरकारी स्कूल अच्छे नहीं है, तो बहुत बढ़िया सरकारी स्कूल है ये यहाँ पे पटेल नगर हिसार के अंदर। तो अभी हम लोग निकल रहे हैं पटेल नगर के अंदर, और पटेल नगर को कैंप भी बोला जाता है। ये देखिए, ये सारा का सारा ये स्कूल है मेरे लेफ्ट साइड में, और पटेल नगर को कैंप भी बोला जाता है। और कैंप क्यों बोला जाता है पटेल नगर को, आपको एक चीज़ बता दूँ, जब मतलब देश का बंटवारा हुआ था ना, तो पाकिस्तान की तरफ से जो भी हिंदू भारत में आए थे तो उनको बसाने के लिए ना कैंप लगाए गए थे, समझ में आई बात, उनको लगाने के लिए कैंप लगाए गए थे। और ये पटेल नगर आपको हर एक डिस्ट्रिक्ट में मिल जाएगा, मतलब हर एक शहर में लगभग ये कैंप मिल जाएंगे आपको, हरियाणा पंजाब में राजस्थान में भी मिल जाएंगे। तो ये जो कैंप लगाए गए थे, इन कैंपों में जो टेंट लगाए गए थे, जो थोड़ी बहुत जगह हर एक परिवार को दी गई थी, तो उसी हिसाब से यहाँ पर वो प्लॉट काट दिए गए, उसी हिसाब से यहाँ पर लोगों को घर दे दिए गए थे। मेन जो अट्रैक्शन है पटेल नगर का, वो मेन अट्रैक्शन यहाँ की मार्केट है, जो यहाँ की मार्केट बनी हुई है पटेल नगर की मार्केट है, वही यहाँ का मेन अट्रैक्शन है। और दूसरा अट्रैक्शन है यहाँ का पटेल नगर का सरकारी स्कूल, जो कि एक अपने आप में एक बड़ी बात है सरकारी स्कूल पटेल नगर का। तो इस जगह पे तो मैं आपको बहुत ज़्यादा लेके आया हुआ हूँ, यहाँ पर अंडरपास आ जाता है जो पटेल नगर को 16-17 सेक्टर से जोड़ता है। तो यहाँ पर हम लोग आ चुके हैं, यहाँ पर आप देख सकते हो ये पटेल नगर का एरिया को जस्ट 16-17 सेक्टर कुछ तक जोड़ने के लिए यहाँ पर ये अंडरपास बना हुआ है। और इस अंडरपास में मैं आपको कई बार, बहुत बार अंडरपास में मैं लेके आया हूँ, और ये हिसार से राजगढ़ की रेलवे ट्रैक है। तो इस अंडरपास पे 16-17 सेक्टर की तरफ ना जाते हुए हम लोग बढ़ेंगे वापस पटेल नगर की गलियों के अंदर। तो पटेल नगर छोटा मोटा नहीं है, आप देख सकते हो कितनी दूर तक ये पटेल नगर फैला हुआ है, और लगातार हम लोग ये पटेल नगर की राइड कर रहे हैं। अब ये रास्ता एक्चुअली में मेरे को भी नहीं पता ये रास्ता कहाँ जाता है, तो देखते हैं ये रास्ता किस तरफ जाता है, जहाँ भी जाता है तो हम लोग निकल पड़ेंगे इस रास्ते पे। तो इसी के साथ साथ यार, मेरे बाइक के जो टायर्स हैं उनमें हवा भी बहुत कम हुई है, हवा भी मुझे भरवानी है, तो देखते हैं कि जैसे टाइम लगेगा वैसे हवा भी भरवा लेंगे। तो पटेल नगर हिसार, तो शादी देख सकते हो भैया कितनी बढ़िया धूमधाम से यहाँ शादी हो रही है। तो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा चहल पहल है, और मतलब काफ़ी बढ़िया एरिया है, ऐसी बात नहीं है, बहुत बढ़िया एरिया है पटेल नगर, और काफ़ी बड़ा है एक्चुअली में, छोटा मोटा नहीं कह सकते आप, बहुत ज़्यादा बड़ा है पटेल नगर। बाकी यहाँ गलियाँ बहुत छोटी छोटी हैं, थोड़ी सी राइड अगर हम लोग करते हैं तो हमें देख देख के राइड करनी पड़ती है, संभल संभल के करनी पड़ती है, गलियों में से एकदम से बच्चे सामने आ जाते हैं ना, तो बहुत ज़्यादा समस्या हो जाती है। तो पटेल नगर की गलियों में आप ये आप देख सकते हो, ये सामने आ चुकी है क्या सब्जी मंडी, ये है पटेल नगर की सब्जी मंडी, मेरे जस्ट सामने है वो पटेल नगर की सब्जी मंडी है, ये देख सकते हो आप लोग। और इसी के साथ साथ आपको एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि पटेल नगर की गलियाँ ऐसी हैं कि मेरे को लगता है कि पटेल नगर में रहने वालों को भी नहीं पता होगी पटेल नगर की गलियाँ कौन सी गली कहाँ निकल जाती है। अभी आपने देखा कितनी छोटी छोटी गली थी, और वो गलियाँ सीधी सीधी करती हुई निकली हैं कहाँ पर, तो वो पटेल नगर की सब्जी मंडी में निकली है वो गलियाँ। तो अभी लगातार हम लोग आगे से आगे बढ़े हुए हैं पटेल नगर की गलियों में, तो देखते हैं कौन सी गली कहाँ निकलती है, कैसे जाती है। तो गलियाँ तो आप सब देख ही रहे होंगे पटेल नगर की, तो यही पटेल नगर की गलियों से हम लाइव बने हुए हैं। और यहाँ पर आ जाता है हमारे एक अजीज दोस्त हैं सत्यम भाई, उनका घर आ जाता है यहाँ पर। और मेरे को लगता है कि मेरे टायरों में हवा बहुत कम है। तो पटेल नगर का डाकखाना आप देख सकते हो, ये जो है ये डाकखाना है पटेल नगर का। तो आप देख सकते हो कि पटेल नगर में एक पोस्ट ऑफिस भी है। तो ये जो रविदास जी का मंदिर और धर्मशाला है, इसी के जस्ट फर्स्ट फ्लोर पे पोस्ट ऑफिस है यहाँ पर पटेल नगर में। और छोटी छोटी सुंदर सुंदर सी गलियाँ हैं पटेल नगर की यहाँ पर, और बहुत ही केयरफुली हम लोगों को यहाँ पर बाइक राइड करनी पड़ती है। और ऐसी ऐसी गलियाँ हैं यार, मैं भी बहुत पहली बार ही आया हूँ, मेरा कभी काम ही नहीं पड़ा इन गलियों में, तो मैं कभी इन गलियों में आया नहीं हूँ। तो अब आपको सच बताऊँ तो ऐसी ऐसी गलियाँ हैं पता ही नहीं चलता कि सीधा चलते चलते कौन सी गली कहाँ बंद हो जाए। अब ये आप देख सकते हो कि ये सामने वो गली बंद है और मैं आया हूँ अब इस गली में, और इतनी छोटी छोटी गलियाँ हैं, मुझे तो ये लग रहा है कि बाइक चलाते चलाते मैं अगर मोड़ लूँ और पता चला मैं किसी के घर ही चला गया।
तो अभी देखते हैं कौन सी गली कहाँ निकलेगी। तो देख सकते हो आप, ये सारी की सारी ये पटेल नगर की गलियां हैं और पटेल नगर की राइड हम लोग करते हुए इस समय। और घर के बीचों बीच अभी तो हमें ऐसा ही लगने लग गया है कि हम किसी आंगन में आ गए हैं। पर ऐसा लग रहा है कि हम किसी के आंगन के अंदर आ चुके हैं। हमारे बाइक के टायर की हवा काफ़ी डाउन हो चुकी है और इस समय हमें भरवानी पड़ेगी अपने बाइक की हवा। आप देख सकते हो यार, समस्या होगी, बाइक के टायर की हवा ख़राब होगी, हवा निकल गई अपनी। तो भाई, तो भैया ये था पूरा पटेल नगर और वापस हम लोग आ गए पटेल नगर की मार्केट के अंदर। तो ये पूरा का पूरा जो था ये पटेल नगर था और पटेल नगर की मोटो व्लॉगिंग आज इतनी रखते हैं। तो ये देख सकते हो सामने भी पटेल नगर है और अभी हमारे बाइक में हो गई है एकदम से हवा कम और हमें भरानी पड़ेगी अभी जस्ट सबसे पहले जा कर के बाइक में हवा। तो आज का ये मोटो व्लॉग इतना ही रखते हैं, होप करते हैं आप सभी को ये व्लॉग पसंद आया होगा और अभी सीधा मिलते हैं आपको से घर पे। हाँ तो भाई, मोटो व्लॉगिंग करके घर पे आ गए हैं और गगनदीप भाई आज आपका एक और मोटो व्लॉग हमने कंप्लीट किया। आपने बोला था मैं पटेल नगर कैंप का एक मोटो व्लॉग करो, तो आज हमने पटेल नगर कैंप का भी एक मोटो व्लॉग कंप्लीट कर दिया है। और ये जो पटेल नगर कैंप है बहुत ज़्यादा बड़ा है, बहुत ज़्यादा वाइड है और जितना पॉसिबल हुआ उतना हमने इसको कवर करने की कोशिश की है। और ये जो सरकारी स्कूल है ये बहुत बड़ा सरकारी स्कूल है, हिसार का जो बड़े बड़े सरकारी स्कूल होते हैं ना उनमें से एक आता है। जैसे गंगुआ में एक सरकारी स्कूल है, वो भी बहुत बड़ा सरकारी स्कूल है। जहाजपुर में सरकारी स्कूल है, जहाजपुर में जो सरकारी स्कूल है वो 12वीं तक है लेकिन वो सिर्फ बॉयज़ का सरकारी स्कूल है। और ये जो सरकारी स्कूल है ये जो है ये बॉयज़ और गर्ल्स दोनों का है। और पटेल नगर सब्जी मंडी से लगते जो सरकारी स्कूल है वो छठी क्लास तक के बच्चों का है, छोटे बच्चों का सरकारी स्कूल है। मतलब छठी क्लास तक के जो बच्चे हैं वो यहाँ पढ़ते हैं और बाद के जो बच्चे हैं मतलब बड़े जो 11वीं 12वीं है वो पढ़ने जाते हैं अपने मेन बड़े सरकारी स्कूल में। तो पटेल नगर का मोटो व्लॉग आज हमने कंप्लीट कराया है, तो होप करते हैं आप सभी को ये व्लॉग पसंद आया होगा। और पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलें। और जो व्यूअर्स हमारे चैनल पर नहीं है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें, साथ साथ बेल आइकन को भी जरूर दबा दें ताकि हमारी आगे आने वाली लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक जल्द से जल्द पहुँच सके। तो तब तक के लिए गुड बाय, टाटा, टेक केयर। आर्य समाज और ये आर्य समाज मंदिर है यहाँ पर, आर्य समाज रखी है। तो सबसे पहले भरवाते हैं भाई हवा।